Let's start our step number 4, final term of subject English A. In previous knowledge, we have completed our unit number 17 के words, meaning, sentences, question, answer और bookwork हमने complete कर लिया. आज हम start करें unit number 18, Wolf Girls. Lesson number 3, reading Wolf Girls. Words, meaning, sentences को start करते हैं. Words, meaning, number 1, creature, meaning A living being, जिंदा रहने वाली जानदार चीज. Second, defend, to prevent, बचाना. Third, terrified, horrified, खौफसदा, डरना. Fourth, slightest, small, modest, कि बहुत हल्की सी आवाज या छोटी सी. Fifth, heartbroken, deeply upset, कि दिल से किसी चीज का दुख होना, मायूस होना. Sentences, number 1, I saw a strange creature, मैंने एक अजीब मखलूक देखी. Second, the goalkeeper was defending the goal, कि goalkeeper जो था वो goal होने से रोक रहा था, बचा रहा था. Third, I found a terrified small cat, मैंने एक छोटी खौफसदा drowny बिल्ली देखी. Fourth, they could hear a slightest sound. वो एक बहुत हल्की सी मध्यम सी आवाज सुन सकते हैं. He felt heartbroken on his failure. वो अपनी नाकामी पर बहुत मायूस हो गया. Let's start answer question of this lesson. Question number 1 is, what were the names given to the wolf girls by Mr. Singh? ये टू सिस्टर्स की स्टोरी है, वुल्फ गर्ल्स, जिसमें दो बहनें होती हैं वुल्फ गर्ल्स. और यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि उनके नेम क्या थे वुल्फ गर्ल्स के जो मिस्टर सिंह ने रखे थे. आंसर, मिस्टर सिंह कॉल्ड देम एज कमाला एंड अमाला. मिस्टर सिंह उनको कमाला और अमाला से के नामों से पुकारते थे. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वर द एजेस ऑफ द वुल्फ गर्ल्स, कि उन वुल्फ गर्ल्स की एजेस क्या थी, उनकी उम्रें क्या थी. आंसर, कमाला वाज अबाउट 8 इयर्स ओल्ड. कमाला 8 इयर्स की ओल्ड थी, 8 साल की थी. एंड अमाला वाज ओनली अ ईयर एंड अ हाफ, कि वो तकरीबन 1.5 साल की थी अमाला. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई द गर्ल्स वर अफ्रेड ऑफ ह्यूमंस, कि वो लड़कियां जो थी वो इंसानों से क्यों डरती थी. आंसर, बिकॉज दे वर ब्रॉट अप बाय वुल्व्स एंड कंसिडर्ड ह्यूमन एज देयर एनिमीज, क्योंकि वो भेड़िया जो वुल्व होते हैं उनके हाथों में वो पली पड़ी थी, उन्होंने उनको बड़ा किया था और वो इंसानों को अपना दुश्मन समझती थी. क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर हाउ मच टाइम, कि कितने अरसे के बाद अमाला वाज डेड, कि अमाला कितने अरसे बाद मर गई थी. आंसर, अमाला फेल इल, अमाला बीमार हो गई. एंड डाइड आफ्टर अ ईयर, और एक साल के बाद मर गई थी वो. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ कमालास आफ्टर हर सिस्टर्स डेथ, कि कमाला की जो बहन जब उसकी डेथ हो गई थी उसके बाद उसका क्या रिएक्शन था, क्या रद्दअमल था. आंसर इज, कमाला फेल्ट हार्ट ब्रोकन, कि कमाला जो थी वो दिली मायूस हो चुकी थी. एंड सैट फॉर 6 डेज बाय हरसेल्फ विदाउट मूविंग, और तकरीबन किसी भी हरकत के बगैर वो 6 डेज 6 दिन तक एक ही जगह पर बैठी रही. क्वेश्चन नंबर 6, फॉर हाउ लॉन्ग कमाला हैड बीन लिविंग इन चिल्ड्रंस होम, कि कमाला जो थी वो चिल्ड्रन होम, जो बच्चों के जो घर होता है, वहां पर कितना अरसा रही. कमाला लिव्ड इन द चिल्ड्रंस होम फॉर 8 इयर्स, कि वो 8 साल तक बच्चों का जो घर होता है वहां पर रही. ओके स्टूडेंट्स, डू रीडिंग बाय योरसेल्फ एंड राइट डाउन ऑल दीज क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड्स मीनिंग सेंटेंसेस इन योर नोटबुक एंड लर्न इट केयरफुली. टेक केयर.